बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कलब अब्बास, मैं सरगोधा से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे चैनल का नाम है द कलब अब्बास। आज हम करेंगे लोगों से कुछ तारीखी सवाल, जिसमें लोगों के लेंगे हम मजाया रिव्यू। तो देखते हैं लोग क्या कहते हैं, चलिए वीडियो की तरफ। भाई का नाम मोहम्मद इमरान जी। तो मोहम्मद इमरान भाई, क्या करते हैं आप? मैं मदरसे में तालीम हासिल कर रहा हूँ। तालीम हासिल कर रहे हैं जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मोहम्मद इमरान भाई, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, कर लें? जी बिल्कुल जरूर। अच्छा क्वेश्चन हमारा कुछ यूँ है कि अगर एक अंडा 5 मिनट में उबलता है तो 6 अंडे कितनी देर में उबलेंगे? वो 5 मिनट में उबलेंगे। नहीं सोच लेंगे, एक अंडा 5 मिनट में उबल रहा है तो 6 अंडे कितनी देर में? बहुत शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या भाई का? उसामा मुनीर। उसामा भाई, आप मसरूफ से कॉल सुन रहे थे, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उसामा भाई क्या करते हैं आप? मैं LLB कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से, और इसके साथ साथ पोइट भी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा उसामा भाई, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं क्वेश्चन आपसे? कर लें, जवाब आता हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। हाँ जी ज़रूर। अच्छा क्वेश्चन हमारा कुछ यूँ है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था 1943 में? 1943 में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। भाईजान आपका नाम? अब्दुल जब्बार। मोहम्मद उमर। मोहम्मद अदनान जी। मोहम्मद उमर, मोहम्मद अदनान और अब्दुल जब्बार भाई। अच्छा आपसे ना एक सवाल करना है, तो मुतवक्का है आपसे जवाब। सवाल हमारा कुछ यूँ है कि वो कौन सा ऐसा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है? चमगादड़। चमगादड़। चमगादड़ के बच्चे देते हैं। चमगादड़। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस भाई क्या करते हैं आप? बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, गारमेंट्स का, बेबी गारमेंट्स का। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब्दुल कुद्दूस भाई, हम आपसे ना एक सवाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं आपसे? सो जी जी जरूर करें। अच्छा सवाल हमारा कुछ यूँ है कि एक इंसान है, वो आटा पिसवाने जा रहा है, रास्ते में एक बहुत बड़ी नहर आती है, वो नहर कैसे क्रॉस करेगा? वो शिप से क्रॉस करेगा। नहीं शिप आंसर तो नहीं है, फिर तैर लेगा बीच में। आटा लेके थोड़ी तैरेगा, फिर एक चीज ही बचेगी, वो बंदे बचेगा या आटा बचेगा? नहीं ऐसे तो नहीं ना, जाहिर सी बात है वो आटा पिसवाने जा रहा है, पिसवा के ही आएगा वो। तो नहर के किनारे पे होगी? नहीं नहर से क्रॉस है, ये भी एक चीज है कि नहर क्रॉस करके आगे उसके चक्की लग गई है जहां पे उसने आटा पिसवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान भी क्या करते हैं आप? मेरी ये शॉप है रेप्लिका वगैरह की और रेडी टू वेयर। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा रिजवान भाई आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी जी जरूर। सवाल हमारा कुछ यूँ है कि 1943 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? हाँ जी, दूध वाला था, अंडे भी ले आए तो अंडे और दूध दोनों बन जाएंगे। जी तो ये भाई का आंसर सही था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भैया आपका? मीसम अब्बास। मीसम अब्बास। और आपका? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन। अच्छा तो भाई हम करेंगे आपसे एक सवाल, दोनों भाइयों में से जो मर्जी आंसर देते। तो सवाल हमारा कुछ यूँ है कि 1943 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? 1943 में पाकिस्तान ही बना था जी। तो भाइयों ने सही आंसर दिए। बहुत शुक्रिया भाई जान। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ज़हन पे थोड़ा सा जोर डालें। 1943 में आई थिंक पाकिस्तान 1947 में बना है, तो 1943 में प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है पाकिस्तान? जी वो नहीं, आप बोलें, आप बोलें, मैं हार गया। मैं हारता नहीं, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज? इतना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं मैंने पूछा। अच्छा अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन, बोले मैं हार गया। नहीं मैं नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि
एक इंसान है पहले भाईजान ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰੋਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਸਫਾਈ ਲੈਪਿੰਗ ਭਾਈ ਕੇ ਲਈ ਭਾਈ अच्छा भैया आपने बताया कि आप एलएलबी कर रहे हैं और साथ पोएट्री राइटर भी हैं अब एलएलबी के रिलेटेड तो हम क्वेश्चन कर नहीं सकते मैं पता ही कुछ नहीं उसके बारे में तो आप हमें कुछ शेर सुनाना पसंद करेंगे जी मैं अपने दो अशआर सुना देता हूँ वो मुझ पे रंजो अलम का तलिस्म फूंकती है फिर इसके बाद उदासी की वजह पूछती है ये मैंने मनसब शाही पे बैठ कर जाना कि सारी दुनिया ही ताकत के गिर्द घूमती है क्या हुआ बहुत शुक्रिया भाईजान हमें टाइम देने के लिए बहुत थैंक यू